नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम लोगों ने संविधान को पढ़ना प्रारंभ कर दिया है और एक लेक्चर आपको मिल चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट बता रहे कि अच्छा लगा आपको। और हमारी कोशिश ये है कि पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं में या अन्य भी जो परीक्षाएं हैं, सिविल सेवा या एक दूसरी परीक्षाएं हैं, तो उनमें जो भी संविधान या राज्य व्यवस्था के प्रश्न आते हैं वो एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। बस हमारा यही उद्देश्य होगा, यही हमारा लक्ष्य होगा। तो हमें इस तरीके से पढ़ाई करना है कि प्रारंभिक परीक्षा में आने वाला संविधान का प्रश्न कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। हम ऐसे चूज करके सेलेक्ट करके टॉपिक ला रहे हैं और आपको एकदम से बिल्कुल पका करके दे रहे हैं कि बस आपको सिर्फ खाना है, याद करना है, नोट्स लिखना है और याद करना है। आप देखेंगे कि एक भी प्रश्न आपका संविधान का गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने संविधान सभा के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से संविधान को लिखे जाने के लिए या संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था जिसमें बहुत सारे सदस्य थे, आपने देखा था। और उस संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन भी किया गया था, क्योंकि संविधान एक बहुत बड़ा दस्तावेज है और इसके कई सारे सेगमेंट हैं, तो हर सेगमेंट पर काम करने के लिए कुछ प्रमुख व्यक्तियों के अध्यक्षता में कई सारी समितियों का गठन किया गया था। तो इस प्रकार संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी वो थी 26, यानी कि कुल मिलाकर के 26 समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, तो पूछा जाए प्रश्न कि संविधान सभा में कितनी समितियां थी, तो बताएंगे 26, यानी कि कुल 26 समितियां थी कार्य करने के लिए। ठीक है, जिसमें से हम कुछ प्रमुख समितियों की यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ से प्रश्न हर साल पूछा जाता है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे पीसीएस प्री हो, मेंस हो, या समीक्षा अधिकारी हो या खंड शिक्षा अधिकारी हो, हमेशा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर हमने कुछ 8-9 समितियां लिखी हुई है, इनके हम आपको नाम बताएंगे कि इस समिति का अध्यक्ष कौन था। ठीक, हालांकि बहुत सारे नाम आपको भी पता होंगे, फिर भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ी प्रमुख समिति थी जिसका नाम है प्रारूप समिति, यानी कि संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। ठीक है, इसके बाद एक समिति थी संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ एक और था संघ शक्ति समिति। ठीक है, ये संघ संविधान समिति है, ये संघ शक्ति समिति है, इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, इसके बाद संचालन समिति, यहां पर संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर एक देशी रियासत समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। फिर एक नियम समिति, नियम बनाने के लिए, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। यानी तीन समितियां हैं, संचालन समिति, देशी रियासत समिति और नियम समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, ये है इनके बारे में। इसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन थे, सरदार पटेल थे। किसके, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल थे। और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, डॉक्टर साहब इनके नाम नहीं लिखा जाता, सरदार ही इसके लिए लिखा जाता है। ठीक है, डॉक्टर यहां नहीं लिखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किनके, प्रांतीय संविधान समिति के, अल्पसंख्यक परामर्श समिति के और मूल अधिकार समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनके अध्यक्ष। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है झंडा समिति। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे जे बी
कृपलानी। परीक्षा में बहुत कई बार पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे इसके अध्यक्ष। तो ये थी संविधान की प्रमुख समितियां जिनके अध्यक्ष थे, ठीक, जहां परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेंगे प्रारूप समिति, क्योंकि प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, इसके अध्यक्ष थे। और आपको बता दूं कि एक पीसीएस मुख्य परीक्षा 2008 में एक प्रश्न पूछा गया है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो मैं बता दूं 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। पीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है, पूछा गया है जीएस में, ठीक है। और इनके अध्यक्ष के बारे में नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में और बताना चाहूंगा, ये जब चुनाव हुए थे संविधान सभा के, चुनाव हुए थे अंतरिम चुनाव, तो ये जो बंगाल प्रांत था, बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से ये चुने गए थे, ठीक है, बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से ही चुने गए थे। फिर ये जो पूर्वी भाग अर्थात जो वर्तमान का जो बांग्लादेश है उसमें चला गया, तो ये जो पूर्वी भाग पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। और पाकिस्तान में चले जाने से क्या हुआ, तो जब वो भाग चला गया तो भारत का हिस्सा रहा नहीं। फिर इसके बाद इनको पुनः जो है गांधी जी के प्रयासों से दोबारा इनको सदस्य बनाया गया, यानी चुनाव लड़वाया गया। तो जो पूना जो वहां पर सीट थी, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, विजयी प्रत्याशी थे, इनका नाम था एम आर जयकर, ठीक है, ये कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी थे। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था पूना सीट से, और ये पूना जो है तत्कालीन बंबई प्रेसिडेंसी में आया करती थी। फिर वहां पर उपचुनाव कराए गए, फिर उपचुनाव में डॉक्टर अम्बेडकर जीत गए थे, तो फिर ये यहाँ से अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। तो पहले कहां पर थे, पूर्वी बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से ही सदस्य थे, और बाद में कहां से हो गए, पुणे से हो गए, ठीक है, तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है ये। तो प्रारूप समिति में कुल मिलाकर के कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, एक सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे थे के एम मुंशी, इनका पूरा नाम है के एम मुंशी का, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ठीक, क्या नाम का, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी इनका पूरा नाम है। एक सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। और एक, अब देखिए यहाँ पर जो छठवें और सातवें सदस्य हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, जहां से प्रश्न अक्सर बनता है, ठीक है, यहां से प्रश्न अक्सर बनता और यहीं से पूछा जाता है, इसलिए मेरा बताने का उद्देश्य था कि यहां से प्रश्न आए तो आपका वो गलत ना हो। तो देखिए जो छठवें सदस्य थे, उन जब प्रारूप समिति बनाई गई थी तो बी एल मित्र को छठवां सदस्य बनाया गया था, ठीक है, किसको, बी एल मित्र को छठवां सदस्य बनाया गया था। फिर किसी किन्हीं परिस्थितियों की वजह से इनको हटा दिया गया, तो इनके स्थान पर एन माधव राव सदस्य बनाए गए। बात क्लियर है ना, पहले कौन सदस्य थे, बी एल मित्र थे, फिर बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव को सदस्य बनाया गया, ठीक है। फिर जो सातवें सदस्य थे वो डीपी खेतान थे, ठीक है, कौन थे, डीपी खेतान थे। फिर इनकी जो क्या हुई, मृत्यु हो गई, ठीक है, तो डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णामचारी को लाया गया। बात क्लियर हुई है कि डीपी खेतान के स्थान पर कृष्णामचारी को और एन माधवराव को बीएल मित्र के स्थान पर लाया गया, ठीक है। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि खेतान के स्थान पर किसको, टीटी कृष्णामचारी, और बीएल मित्र के स्थान पर किसको, एन माधवराव को लाया गया, ठीक है। तो ये दोस्तों थी हमारी संविधान की प्रमुख समितियां और प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष और जो सदस्यों की अदला बदली हुई है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी जाए, ताकि प्रश्न आए तो आप गलत करके ना आ जाए, ठीक है। तो संविधान और राजव्यवस्था स्टार्ट हो चुकी है, करंट अफेयर्स भी आपको मिल रहा है, ठीक है। इस तरह हमारी नियमित कक्षाएं चलती रहेंगी और हमारी कोशिश होगी कि जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, व्यूअर्स हैं, वो सब लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करें और मुख्य परीक्षा में आए, मुख्य परीक्षा में उनकी एक अच्छी सी मैं जबरदस्त तैयारी करूं, ताकि वो अंतिम सिलेक्शन लेकर के अधिकारी बने और हमारी लिस्ट में उनका नाम शामिल हो। मिलते अगले वीडियो में, नमस्कार।